ये पीछे से गाड़ी आ रही है लेकिन इस समय नज़र नहीं आ रही। अब देखें करीब आएगी तो गाड़ी नज़र आएगी। ये अब देखें इतनी ज़्यादा जो है स्मोक है, क्या वो गाड़ी देखें, वो गाड़ी अभी यूँ गुजरी है और पीछे से गाड़ी वो नज़र नहीं आ रही कि वो गाड़ी कहाँ गई, सिर्फ आवाज़ आ रही है। ये देखें, ओहो, और सर्दी भी इसी हिसाब से कि सर्दी जो है मैं आपको बता नहीं सकता कि हम किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये सर्दी जो है कराची वालों के लिए एक बड़ी नेमत है, ऐसी सर्दी हमें कभी मिलती नहीं है। ओहो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। जहाँ तक देखेंगे आपको सिर्फ फोग नज़र आएगी, और जबकि ये खेत बिल्कुल जो है फसल तैयार है, खेत सारे भरे हुए हैं, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ फोग नज़र आ रही है आपको। और ये चांद ढूंढ रहे हैं खड़े हुए पीछे एक साहब, उनको चांद ना नहीं मिल रहा। ये मुझे लग रहा है ये किसी कमेटी में तो नहीं है, रुवत हिलाल कमेटी में जबकि ये टाइम सूरज का है, ये चांद ढूंढ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे होंगे ये इस टाइम हम लोग मौजूद हैं सरगोधा में, और सरगोधा जो है मशहूर है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से किन्नू माल्टे और ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान से जाती हैं। अच्छा, इस वक्त जो है इस बाग के जो मालिक हैं और जो इमरान साहब, ये इस बाग के मालिक हैं, और ये देख रहे हैं कि इनकी जो फसल है इसमें कोई कीड़ा या कोई ऐसी कोई सुंडी कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। ये आप देख रहे होंगे इनके सामने, ये बहुत ही इनकी जो ज़मीन है, बहुत बड़े ज़मींदार हैं सरगोधा के, और इस तादे निगाह आप देखेंगे तो ये सिर्फ किन्नू ही किन्नू है। ये आप देखें, ये अब सारा किन्नू लगा हुआ है इनके बागों में, ये सब किन्नू लगा हुआ है, ये सारा किन्नू है। और ये हम इमरान साहब से पूछेंगे, इमरान साहब कैसी आपकी फसल? माशाल्लाह, देखें आप लोग जब आएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इधर का, क्योंकि हम हमारे लोग यहाँ बड़े मेहनती हैं और माशाल्लाह काम में भी अपना दिल जोई से काम करते हैं, और यहाँ जब आप आएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ की फसलों का यहाँ पे जो। और ये सरगोधा में इस टाइम जो है पूरे, आप सरगोधा की किसी भी ज़मींदार से पास चले जाएँ, किसी भी ज़मीन पर चले जाएँ, आपको सिवाय किन्नू के, माल्टो के, फ्रूटर के और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि कुदरत ने सारे रंग जो हैं वो हरा और पीला और ऑरेंज मिक्स करके जो है वो ज़मीन पे उतार दिए हैं। और सारे जहाँ तक आप देखेंगे ये 25 एकड़ इनकी ज़मीन है, और उस पूरी ज़मीन पे सिर्फ किन्नू इस टाइम जो है बिल्कुल रेडी है, आधी इनकी फसल जो है उतर चुकी है और आधी जो है अभी बाकी है। तो ये आपको हमारे जो हैं मोहब्बत करने वाले हैं हमारे साकिब भाई काओ कैटल वाले, ये उनके लिए हमने स्पेशली बनाई है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो हमसे कुछ ना कुछ फरमाइश करते हैं, कुछ अपनी फसलों की ज़मीनों की बना के भेजें, तो ये आपको इंशाल्लाह उनके पेज पे ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।